हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिज़िक्स का वेव ऑप्टिक्स में चैप्टर इंटरफेरेंस। इसका सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसकी डेफिनेशन को हम समझते हैं। सबसे पहले, व्हेन टू और मोर वेव्स ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम, जब दो या दो से ज़्यादा वेव्स किसी मीडियम में ट्रेवल करती हैं, एंड दे सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर, और वो एक दूसरे पर सुपर इम्पोज होती हैं, यानी एक वेव ये इधर से आई और ये इधर से, तो इसे हम सुपर पोजिशन भी बोल सकते हैं। ये जो इस तरह से हमें मिलता है दो वेव का रिजल्ट, तो इसे ही हम सुपर पोजिशन कहेंगे। देन अ न्यू वेव इज फॉर्म्ड इन विच रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द वैक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल वेव्स। तो हमें इस सुपर इम्पोज के बाद जो न्यू वेव मिलेगी, वो उसका रिजल्टेंट जो होगा डिस्प्लेसमेंट का, वो उन दो वेव के वेक्टर सम के इक्वल होगा। यानी एक वेव ये इधर से आई और ये इधर से आई, तो इन दोनों का जो वेक्टर डिस्प्लेसमेंट होगा, उनका जो सम होगा, उसके इक्वल होगा जो न्यू वेव का डिस्प्लेसमेंट होगा। उसका एग्जाम्पल है हमारे पास ये नीचे। इसमें जैसे हमारी ये वेव है, वेव वन, यहाँ पर ये जो है वाई वन, ये वाली जो जा रही है ये वेव वन है, ये वाई टू जा रही है तो ये वेव टू है। तो इन दोनों का जो डायरेक्शन है वो सेम तरफ है, इसलिए इन दोनों का एडिशन होगा, इसलिए हमारे पास जो फाइनल वेव आएगी वो वाई वन प्लस वाई टू आएगी। इसके बाद हमारे पास सेकेंड वाला ये एग्जाम्पल है। इसमें वेव जो हमारी फर्स्ट वाली है वो ऊपर डायरेक्शन में है, सेकंड वाली जो है वो नीचे वाली डायरेक्शन में है। तो इनका वेक्टर सम जो होगा उस तरफ होगा जिस वाली वेव का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा या एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा जिस वाली वेव का। तो यहाँ पर इसकी जो न्यू वेव की जो डिस्प्लेसमेंट का हमारे पास रिजल्ट आएगा, वो इस साइड से आ रहा है, यही इसका रिजल्ट हो जाएगा। ये यहाँ पर हमें मिलेगा फर्स्ट वेव जो हमारी बड़ी वाली थी उसमें से सेकंड वेव को माइनस करके, क्योंकि बड़ी वेव में से हम सेकंड वाली जो छोटी वेव है उसे हम माइनस कर रहे हैं। इसी तरह से हमें यहाँ पर सुपर पोजिशन का एग्जाम्पल हमने कर लिया है। यहाँ पर हम समझते हैं एक और पॉइंट को। इस वाले में जो है फर्स्ट वेव और सेकंड वेव को मिलाने पर जो न्यू वेव मिली, वो उसका भी डायरेक्शन सेम साइड में था, इसलिए यहाँ पर इंटेंसिटी दोनों की मिलाने पर बढ़ी है। तो यहाँ पर जो है इंटेंसिटी हाई होगी, और इंटेंसिटी जहाँ हाई होती है वहाँ हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का हम कॉन्सेप्ट आगे समझेंगे। और यहाँ पर इंटेंसिटी लो है क्योंकि यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड सेकेंड वाली वेव का हमने फर्स्ट से माइनस करा है, तो यहाँ पर ये इंटेंसिटी इसकी लो हो गई है। तो ये लो इंटेंसिटी और ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यहाँ पर हमें मिल रहा है। अब हम समझते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है। व्हेन टू लाइट वेव्स कम्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेस, कोई दो लाइट वेव्स आ रही हैं दो कोहेरेंट सोर्सेस से। कोहेरेंट सोर्सेस का मतलब होता है कोई ऐसे सोर्स जिनका फेज डिफरेंस, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सेम होता है, एंड दे सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर, और वही यहाँ पर सुपर पोजिशन हो रही है उन दोनों कोहेरेंट सोर्सेस से निकलने वाली वेव्स की। देन द लाइट वेव रिडिस्ट्रीब्यूट्स, तब उनका जो वेव्स निकली वो एक दूसरे से सुपर इम्पोज होने के बाद दोबारा से रिडिस्ट्रीब्यूट होती हैं अकॉर्डिंग टू द मिनिमम एंड मैक्सिमम इंटेंसिटी। यहाँ पर इंटेंसिटी का हम कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। तो यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी, और यहाँ पर इंटेंसिटी लो होगी तो हमें मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी। यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को ही हम इंटरफेरेंस कहते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की डेफिनेशन को हम इस तरह से लिखेंगे। इन दिस दी वेव्स ऑफ लाइट गिव्स मैक्सिमम इंटेंसिटी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमारे पास जो लाइट वेव होती है वो क्या देती है, मैक्सिमम इंटेंसिटी देती है। बिकॉज देयर क्रस्ट मीट्स क्रस्ट एंड ट्रफ मीट्स ट्रफ, यानी ये क्रस्ट वाला पार्ट जो होता है
ऊपर वाली साइड का वो क्रस्ट से मिलता है, और ये नीचे वाला पार्ट जो होता है ट्रफ का वो ट्रफ से मिलता है। तो दोनों सेम साइड में होते हैं इसलिए हमारे पास मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है। एंड दे गिव्स ब्राइट फ्रिंजेस, और वो हमें ब्राइट फ्रिंजेस देती हैं। फ्रिंजेस के बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। शॉर्टली इस तरह से समझ सकते हैं जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट में लाइट की जो वेव्स होती हैं उनकी वजह से हमें कहीं पर लाइट शो होगी और कहीं पर डार्कनेस शो होगी, उसी में उन्हीं को हम फ्रिंजेस कहते हैं। डार्क फ्रिंजेस और ब्राइट फ्रिंजेस होती हैं। तो जो डार्क फ्रिंजेस होती हैं वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से मिलती हैं, और जो ब्राइट फ्रिंजेस होती हैं वो इंटरफेरेंस मिल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से मिलती हैं। यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की हम डेफिनेशन समझते हैं। इन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वेव्स ऑफ लाइट गिव्स मिनिमम इंटेंसिटी बिकॉज देयर क्रस्ट मीट्स ट्रफ एंड दे गिव्स डार्क फ्रिंजेस। यानी कि इसमें इस एग्जांपल में हम दिखा रहे थे तो इसमें यहीं पर यही बताया गया है। यहाँ पर जो क्रस्ट होता है वो ट्रफ से मिला, जो फर्स्ट वाला जो था ये वेव इसका ये क्रस्ट था और सेकंड वाले में ये ट्रफ था, इसी तरह से आगे ये हुआ, इसीलिए इसका जो मैग्नीट्यूड का सम था वो कम हो जाता है। इसलिए यहाँ पर हमें डार्क फ्रिंजेस मिलती हैं क्योंकि इंटेंसिटी यहाँ पर लो होती है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के हमारे पास यहाँ पर एक और डेफिनेशन है। व्हेन टू लाइट वेव्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड एंड इक्वल फ्रीक्वेंसी प्रोपोगेट्स टुगेदर इन अ मीडियम देन इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ मीडियम इज डिफरेंट, दिस फिनोमेना इज नोन एज इंटरफेरेंस। इसका मतलब ये है जब दो लाइट वेव्स सेम इक्वल एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी की प्रोपोगेट्स मतलब ट्रेवल करती हैं एक साथ इन अ मीडियम, यानी वो कोहेरेंट सोर्स ही हो जाएगा, देन इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट डिफरेंट पॉइंट्स यानी लाइट की इंटेंसिटी डिफरेंट पॉइंट पर मीडियम में डिफरेंट होगी। यही होता है यहाँ पर, हमें इसी की वजह से ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिलती हैं और इसी फिनोमिना को हम इंटरफेरेंस कहते हैं। अब कोहेरेंट सोर्सेस को हम समझते हैं। यहाँ पर टू सोर्सेस ऑफ लाइट, लाइट के दो सोर्स हैं जो एमिट कर रहे हैं कंटिन्यूस लाइट वेव्स, यानी दो लाइट सोर्स हैं और वो एमिट करते हैं कंटिन्यूस लाइट जिस लाइट की फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सेम रहेगी और उनका फेस डिफरेंस भी सेम रहेगा, यानी वो सेम फेस में ही ट्रेवल करेंगी, तो उन्हीं को हम कोहेरेंट सोर्स कहते हैं। और जो सोर्स कोहेरेंट वेव्स को एमिट करते हैं उन्हीं को हम कोहेरेंट सोर्सेस कहते हैं, ये भी हम कह सकते हैं। कोहेरेंट वेव्स यहाँ पर हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ पर ये वेव जा रही है इस तरह से और ये वाली वेव भी जा रही है, ये दोनों का सेम फेस है, यहाँ पर देख सकते हैं ये वाली का भी, तो यहाँ पर ये हम कह सकते हैं कोहेरेंट वेव्स हैं, ये वेव्स कोहेरेंट हैं क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैग्नीट्यूड और फेस भी सेम है। मगर यहाँ पर ये सेकंड वाली में इसका फेस अलग है इसलिए इन दोनों में फेस डिफरेंस है, और इनका वेवलेंथ देखो इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है इसकी कम है, इसकी वेवलेंथ देखो सिर्फ इतनी है, तो यहाँ पर ये इनकोहेरेंट वेव्स हो जाएंगी। और यहाँ पर हम समझ सकते हैं व्हेन टू वेव्स मेंटेन अ कांस्टेंट फेस डिफरेंस ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस एंड टाइम देन दे आर कॉल्ड टू बी कोहेरेंट। ये यहाँ पर इसी एग्जांपल से हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड, ये बात आप याद रखना, इंटेंसिटी अगर इंक्रीज होगी तो एम्पलीट्यूड भी इसका इंक्रीज होगा। यहाँ पर हम कुछ केसेस को समझते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो फेज डिफरेंस होता है फाई से डिनोट करते हैं, वो 0, 2π या 4π होता है, और पाथ डिफरेंस λ/2π होता है, और जो लैम्डा होता है वो वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास पाथ डिफरेंस आएगा
लैम्डा बाई 2 पाई इंटू फेस डिफरेंस, और हमारे पास ये फेस डिफरेंस जो भी दिया होगा वो ये रहेगा इनमें से। तो यहाँ पर हमारे पास ये इस तरह से निकल कर आया है, या तो 0 होगा या 2 लैम्डा होगा या 3 लैम्डा होगा, इसी तरह से एन लैम्डा इसका पाथ डिफरेंस रहेगा। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हम A1+A2 यहाँ पर ले रहे हैं। मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए हम IMAX यानी KA² I यहाँ पर मैक्सिमम मिलेगा। तो यहाँ पर हम इस तरह से सॉल्व करके इसका जब इंटेंसिटी निकालेंगे तो IMAX = I1+I2+2√I1I2 मिलेगा। यहाँ पर I जो है उसकी वैल्यू हमने दे दी है, I2 I1 की दे दी है यहाँ पर हमने वैल्यू। इसी तरह से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में मिनिमम एम्पलीट्यूड के लिए कॉस फाई हमेशा -1 लेंगे, cos π = -1 यहाँ पर लिया है। सो इसमें फेस डिफरेंस जो होगा π, 3π, 5π या फिर इसमें हम इस तरह से लिख सकते हैं 2n-1π ये रहेगा। फेस डिफरेंस यहाँ पर अपोजिट रहेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, तो इसमें वेव जो हैं एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, ये इनके लिए मस्ट होता है, ज़रूरी होता है। अगर ये एक दूसरे से अपोजिट नहीं होंगी तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं होगा वो। तो यहाँ पर हमारे पास पाथ डिफरेंस फिर जो निकल कर आएगा वो 2n-1/2 लैम्डा यहाँ पर ये हमारा पाथ डिफरेंस निकल कर आया है। इसके लिए हम इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। और इसमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी हमारे पास ये इस तरह से हम सॉल्व करके निकालेंगे तो इसका मिनिमम एम्पलीट्यूड जो निकल कर आएगा A1-A2 निकल कर आएगा, और मिनिमम इंटेंसिटी वेव जो होगी आई मिनिमम वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी A1-A2 के स्क्वायर के। तो यहाँ पर उसका भी हमारे पास ये इस तरह से फॉर्मूला निकल आया है, I minimum = I1+I2 - 2√I1I2। और यहाँ पर हमारे पास नोट में ये दिया हुआ है, इंटरफेरेंस इज द लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, ये यहाँ पर नोट करना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट।